तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको मेरे घर का दर्शन करके। देखिए किस तरह से जो है मेरा ये घर है, छोटी सी कुटिया है, प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। और मैं इस तरह से अंदर दिखा रहा हूँ आपको, ये पलंग पड़ा हुआ है, इधर भैंस बंधी हुई है मेरी। अभी कोई प्रोग्राम आयोजित हुआ था, उसका टेंट वगैरह खोल रहे हैं कुछ लोग। तो इस तरह के सीन्स दिखा रहा हूँ मैं आपको घर दर्शन में। पीछे की तरफ पे साइकिल पड़ी हुई है, उधर भी हम रहते हैं, घर है उधर, कटिया पड़ी हुई है इधर देखिए। और जो है पीछे की तरफ ये टंकी पड़ी हुई है, एक गुलाब का पौधा है इधर छोटा सा, भैंस बंधी हुई है उधर, कुछ खा रही है वो खाना। तो इस तरह का जो खाट पे बैठे हुए हैं हम लोग अभी, और मौसम थोड़ा इस तरह का है। मैंने कहा चलो दिखाते हैं थोड़ा, तो मन हुआ दिखाने का, दिखा दिया। अब थोड़ा सा जो है मैं अंदर की तरफ आपको ले जाके घर के अंदर थोड़ा राउंड अप करके दिखाने वाला हूँ, किस तरह से जो है अंदर की डेकोरेशन है। देखिए आप इस तरह से जो कुछ चीज़ें टंगी हुई है यहाँ पर, छोटी मोटी रोज़मर्रा की उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, कुछ कपड़े वगैरह। तो देखिए राउंड अप करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, करके दिखाता हूँ आपको। ये अंदर का सीन है दोस्तों, घर के अंदर का। इधर कुछ रजाई वगैरह पड़ी हुई है, गेहूँ भरने की पेटी, और ये जो है पेटी है, इसमें गेहूँ भरे हुए हैं खाने के लिए। और मैं थोड़ा सा उधर जाके आपको लहसुन दिखाता हूँ, लहसुन पड़ी हुई है यहाँ पे, जो सब्जी में डालते हैं मसाले में खाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए। उस तरफ देखिए वो लहसुन पड़ी हुई है, देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से। और ये जो है पेस्टिसाइड स्प्रे करने का पंखा है, जो पौधों पे डाला जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर का हमारा काम है, तो हम एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो ज़रूरी होता है वो चीज़, कुछ स्प्रे करना पड़ जाता है पानी वगैरह। तो ये बगीचा है, थोड़ा सा घास फूस कड़ी हुई है, देखिए हरियाली किस तरह की है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग है। तो देख लीजिए आप, बीच में क्लिप डाल दी है मैंने, ये हरी घास कड़ी हुई जिसको रस्का बोलते हैं। और पास में जो बगीचा खड़ा हुआ है, बहुत ही सुंदर लोकेशन है। देखिए दोस्तों ये जो है सांप दिखा रहा हूँ आपको, कुएं के पास इधर से आ गुजर रहा था मैं, तो रास्ते में दिख गया। मैंने कहा चलो दिखाते हैं थोड़ा वीडियो बना के। तो ये किस तरह से जो कुएं के अंदर चल रहा है, देखिए आप नीचे की तरफ उतर रहा है मुझसे डर के थोड़ा सा। मैंने कहा अच्छा लोकेशन है दिखाते हैं, नीचे प्रकाश पुंज बन रहा है, और देखिए किस तरह से नीचे गिर गया है, और वो दराज में जो है घुस गया है, वहाँ पर दरार पड़ी हुई है, उसके अंदर किस तरह से जो घुस गया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये, देखिए फिर से दिखाता हूँ एक बार, और मज़ा नहीं आया होगा आपको शायद, इस बार मज़ा आएगा आपको देखने में। देखिए वो किस तरह से जो नीचे उतर रहा है, और प्रकाश जो है नीचे की तरफ से प्रिज्म बन रही है उसकी ऊपर, सूर्य का, कुएं के अंदर पानी है और उससे डायमेंशन बनते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए किस तरह से नीचे गिर गया है वो दोस्तों, देखिए, और दराज में जो है घुस गया है। तो किस तरह से लग रहा है आपको ये, देखिए एंजॉय कीजिए। तो कैसा लगा आपको ये सांप वाला वीडियो, मैंने कुएं के अंदर सांप घुसते हुए दिखाया, अभी भी वही बैठा हुआ है, लेकिन वो बाहर नहीं, इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। तो इधर से आ रहा था रास्ते से खेत के अंदर से, तो मैंने कहा कि चलो दिखा देते हैं थोड़ा, कभी कभी मिलते हैं ऐसे चांस, किस तरह से वाइल्ड चीज़ें दिखाने का मौका मिलता है। और ये देखिए आप, चिड़ियों के घोंसले दिखा रहा हूँ मैं आपको, इधर कुएं के पास में बम्बुल पे लगे हुए हैं चिड़िया के घोंसले, ये देखिए इनमें चिड़िया छुप जाती है और अपने अंडे देती है, और चूजे निकालती है, इस तरह से बनाती है दोस्तों, कितनी मेहनत करके। सॉरी यार, खांसी चल गई थोड़ी सी, थोड़ी गले में प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ी टैबलेट डाउन हो गई थी इसलिए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आपको, लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और भी दिखाऊंगा मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपको, देखते रहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा घर दर्शन वाला वीडियो, मैंने दिखाया आपको मेरा घर,
और आसपास भैंस वगैरह दिखाई मैंने, तो अच्छा लगा होगा। मेरे आसपास की चीज़ें दिखाई मैंने आपको, तो दोस्तों में शेयर कीजिए, देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को और भी दोस्तों को दिखाइए। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको कुछ सीन दिखाए हैं इधर के, देखिए कैसा लगा आपको। ये घर का सीन दिखाया मैंने आपको, और उधर भैंस बंधी हुई थी वो दिखाई, अंदर का डेकोरेशन दिखाया मैंने घर के अंदर का, और आसपास का भी दिखाया। ये सीन कैसे लगे आपको, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और भी अच्छे अच्छे सीन्स दिखाऊंगा मैं आपको, कटिंग थोड़ी सी क्लिप दिखाऊंगा और भी अच्छी अच्छी बढ़िया वाली बना के, जब भी मौका मिलेगा। देखते रहिए मेरे चैनल को, धन्यवाद, लाइक यू शेयर फ्रेंड्स।